मैं एक रोबोटिक कैंसर सर्जन और हाईपेक स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कोलोन और रेक्टम कैंसर के बारे में। कोलोन और रेक्टम हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है, जिसे हम बड़ी आंत या मल का द्वार कहते हैं, और इसमें होने वाले कैंसर को कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। आइए हम जानें इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। तो आमतौर पर कोलोरेक्टल कैंसर 5-10% में एक जेनेटिक या फैमिलियल बीमारी होती है, तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बीमारी है, जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़, इन मरीजों में भी कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस अधिक रहते हैं। तीसरी एक प्री कैंसरस कंडीशन होता है, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। कॉलोनिक और रेक्टल पॉलिप जैसे कंडीशन में भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ और भी फैक्टर हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसके वजह से कोलोन और रेक्टम कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी स्थिरता। दूसरी चीज़ है खाने पीने में लो फाइबर डाइट और पैकेज्ड मीट का सेवन करना, इन मरीज़ों में भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरी चीज़ है मोटापा, मोटापा यानी ओबेसिटी, तो ऐसे मरीजों में भी कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चौथी और पांचवी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टोबैको और अल्कोहल। स्मोकिंग और शराब का सेवन करने से भी कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। मल द्वार यानी रेक्टम के द्वारा ब्लीडिंग होना, अनएक्सप्लेन्ड हीमोग्लोबिन का कम होना, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। तीसरा हमारे बाउल हैबिट्स का अल्टरेशन होना, मतलब डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होना, जो कि अनएक्सप्लेन्ड हो और ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक ना हो रहा हो। पेट का बड़ा हो जाना या उल्टियाँ होना, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी वजन की कमी होना, ये सारे कोलोन और रेक्टम के रेक्टल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोलोन और रेक्टम कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में। अगर आपको कोई भी सिम्टम हो, जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ब्लीडिंग पर रेक्टम यानी मल द्वार से खून आना, पेट का बड़ा हो जाना, या फिर बॉवल हैबिट में कोई बदलाव, इनमें से कोई भी हो तो आपको कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। तो अपनी शरीर की सुने, अपने सिम्टम्स पर ध्यान दें और अपने डॉक्टर से मिलें। कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग में क्लिनिशियन आपके एग्जामिनेशन करते हैं, आपके मल द्वार का परीक्षण करते हैं, जिसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके अलावा सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी यानी दूरबीन के द्वारा आपके कोलोन और रेक्टम की जाँच होती है। तीसरा ब्लड टेस्ट यानी सीरम CEA करते हैं, जो कि एक ट्यूमर मार्कर होता है, और ज़रूरत लगने पे पेट का स्कैन करते हैं, जिसे CT स्कैन कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी फैमिलियल रिस्क हो या कोलोन और रेक्टम के सिम्टम्स हो, जिससे मैंने आपको अवगत कराया है, तो कोलोन और रेक्टम की कैंसर स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। अब हम बात करेंगे कोलोन और रेक्टम कैंसर के इलाज के बारे में। आमतौर पर कोलोन और रेक्टम का इलाज, कैंसर का इलाज, कीमो के द्वारा, सर्जरी के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा होता है। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि कैंसर कौन से स्टेज में है। अर्ली स्टेज में ज़्यादातर सर्जरी होती है, एडवांस स्टेज में कीमोथेरेपी के फॉलोड बाय सर्जरी होती है। रेक्टल कैंसर का जो इलाज होता है वो मल्टीमोडल होता है, यानी सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन तीनों लगता है। आखिरी में मेरा ये मैसेज है, अपने शरीर की सुने, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पे अपने कैंसर के डॉक्टर से ज़रूर मिलें।